हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो स्टूडेंट के स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रिक रिलेशन। हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन का मतलब है एंटीरियो पोस्टीरियर रिलेशनशिप मैक्सिला का मैंडिबल के साथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल रिलेशन का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या रिलेशन है मैक्सिला का मैंडिबल के साथ। ऐसे वर्टिकल जॉ रिलेशन में क्या होता है, वर्टिकल क्या रिलेशन है मैक्सिला का मैंडिबल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक आता है सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक का मतलब है सेंटर पे। तो सेंट्रिक रिलेशन जहां पे सेंटर पे पेशेंट मुंह बंद करता है वो सेंट्रिक आता है। दूसरा होता है ई सेंट्रिक रिलेशन। ई सेंट्रिक का मतलब है ई अदर देन। अदर देन सेंट्रिक जितना भी होगा वो ई सेंट्रिक होगा, यानी अगर सेंटर में है उसके अलावा क्या क्या मूवमेंट होती है जॉ की, वो ई सेंट्रिक है। जैसे कि आगे पीछे, जब हम खाना चबाते हैं तो आप अगर जोर जोर से जैसे गाय की तरह चबा के देखेंगे तो क्या पाएंगे कि हम साइड में लेके जा रहे हैं जॉ को। अब वही मूवमेंट को अगर लार्ज स्केल पे इसलिए करा ताकि हमें अच्छे से डिस्टिंक्ट हो, तो उसमें ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। और खाना काटने के लिए हमें जॉ को थोड़ा आगे करना पड़ता है, जॉ को आगे करके दोनों इंसाइजर को मिला के और फिर खाना कट करता होता है। तो ऐसे ई सेंट्रिक मूवमेंट अदर देन सेंट्रिक कौन कौन सी, मैक्सिला मैंडिबल, मैंडिबल की कौन कौन सी मूवमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन में है। ई सेंट्रिक में आती है एक तो आगे मैंडिबल को लेके जाना जो कि होगी प्रोट्रूसिव मूवमेंट, और दूसरा है लैटरल मूवमेंट्स, मैंडिबल को इधर राइट में लेके जाना, लेफ्ट में लेके जाना, लैटरल मूवमेंट्स। तो सेंट्रिक रिलेशन है क्या? सेंट्रिक रिलेशन एक मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप, जीपीटी 5 की डेफिनेशन है, ये एक मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप है जिसमें कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करता है थिनेस्ट ए वस्कुलर पोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्क। देखिए ये डेफिनेशन एक बार मैं आपको बोलती हूं, उसके बाद हम एक एक पार्ट करके इस डेफिनेशन को समझें। सेंट्रिक रिलेशनशिप दांत का दांत से कॉन्टैक्ट नहीं है। सेंट्रिक रिलेशनशिप वो रिलेशन है जिसमें ये ग्लिनोइड फोसा है, इसमें कॉन्डाइल बैठता है सबसे ऊपर और सबसे पीछे। ये है सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक जिसमें अगर से कंप्लीट डेंचर की बात करते हैं, कंप्लीट डेंचर में एमआईपी मैक्सिमम इंटरकस्पेशन का मतलब है दांत से दांत का कॉन्टैक्ट, यानी ये मैक्सिमम ऑक्लूजन जो है जिसमें दांत टाइट कॉन्टैक्ट में हो रहा है इज इक्वल टू सेंट्रिक रिलेशनशिप। सीडी के पेशेंट में हम लोग दांत का दांत से टाइट कॉन्टैक्ट कराते हैं इसमें, यानी जब पेशेंट सेंट्रिक रिलेशन में बंद करेगा तो हम मैक्सिमम इंटरकस्पेशन देंगे सीडी के केसेस में, कंप्लीट डेंचर के केसेस में। फुल माउथ रिहैब में अलग होता है, उसमें अलग ऑक्लूजल स्कीम्स फॉलो करते हैं। तो ये हो गया। अब सेंट्रिक रिलेशन के अंदर क्या है, अब जैसे ही कॉन्डाइल आप आगे लेके जाएंगे मैंडिबल को, सेंट्रिक रिलेशन समझने के लिए आपको मूवमेंट्स खुद साथ साथ करनी पड़ेंगी। तो अगर आप जॉ को आगे लेके जाएंगे एक थोड़ा सा, जैसे जितना आगे लेके जाते हैं जॉ को, अगर आप 15 टू 20 मिलीमीटर, 15 टू किसी बुक में 25-22 दिया हुआ है, मान ली 15 टू 25 मिलीमीटर तक मुंह खोलते हैं, यानी करीब करीब इतना मुंह रहेगा। जब आप इतना मुंह खोलेंगे तो सिर्फ कॉन्डाइल रोटेट करता है, यानी इसी पोजीशन में कॉन्डाइल रहेगा लेकिन वो रोटेट करेगा, खुलने के लिए खुलेगा। और इससे ज्यादा की अगर मैक्सिमम माउथ ओपनिंग, यानी जब ज्यादा मुंह खोलेंगे और तब ये कॉन्डाइल आ जाएगा यहां पे पहुंच के आ गया। और अगर आप मैंडिबल को आगे लेके जाते हैं मैक्सिमम माउथ ओपनिंग में भी या फिर प्रोट्रूजन में, प्रोट्रूजन जब होगी पेशेंट जॉ को आगे लेके जाएगा तो यहां से स्लाइड होके ये कॉन्डाइल आ जाएगा यहां पर। तो ये है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेट होके जा रहा है। सेंट्रिक रिलेशन की जीपीटी 5 की डेफिनेशन है मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप इन विच कॉन्डाइल आर्टिकुलेट विद द थिनेस्ट एवस्कुलर पोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्क विद द कॉम्प्लेक्स इन द एंटीरियर सुपीरियर पोर्शन अगेंस्ट द स्लोप ऑफ आर्टिकुलर एमिनस। इसका मतलब यहां तक मैक्सिला का मैंडिबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिसमें कॉन्डाइल आर्टिकुलेट कर रहा है थिनेस्ट एवस्कुलर पोर्शन, ग्लिनोइड फोसा और इसके बीच में क्या हमारा आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क है, कैप्सूल है,
तो उसकी थिनेस्ट एवस्कुलर पोर्शन रिस्पेक्टिव डिस्क में एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा पोजिशन में, एंटीरियो सुपीरियर पोजिशन अगेंस्ट द स्लोप ऑफ आर्टिकुलर एमिनेंस, ये आर्टिकुलर एमिनेंस का स्लोप है, उसमें एंटीरियो सुपीरियर पोजिशन में ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है. दिस पोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट, आई हैव टोल्ड यू दिस. ये पोजिशन टूथ कॉन्टैक्ट पे नहीं डिपेंड करती है, ये सिर्फ कॉन्डाइल की लोकेशन ग्लिनोइड फोसा में आर्टिकुलर एमिनेंस में कहां पे है वो डिपेंड करती है. तो दिस पोजिशन इज क्लिनिकली डिसनरेबल व्हेन द मैंडिबल इज डायरेक्टली. क्लिनिकली कैसे ये लोकेशन पता करते हैं, जब मैंडिबल कहां पे होता है, सबसे पीछे सबसे ऊपर. When the this position is clinically discernible when the mandible is directed superiorly and posteriorly, यानी जब mandible सबसे पीछे वाली position में सबसे ऊपर glenoid fossa में घुसा रहेगा वो centric relation है. मैक्सिमम इंटरकस्पेशन सेंट्रिक रिलेशन नहीं है. कस्प टू कस्प फोसा, कस्प टू कस्प रिलेशनशिप, कस्प फोसा रिलेशनशिप, टाइट कॉन्टैक्ट, वो सेंट्रिक रिलेशन नहीं है. सेंट्रिक रिलेशन है जहां पर क्लिनिकली अगर देखें तो कॉन्डाइल यानी मैंडिबल सुपीरियरली और पोस्टीरियरली डायरेक्टेड है ग्लिनोइड फोसा में. और दिस इट इज रिस्ट्रिक्टेड प्योरली रोटरी मूवमेंट, इसमें रोटेटरी मूवमेंट होती है अराउंड द ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड जब 15-25 मिलीमीटर होगा हिंज, ट्रू हिंज एक्सिस, इसके अराउंड सिर्फ कॉन्डाइल ऐसे ऐसे घूमेगा. अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुआ, सिर्फ घूम रहा है. तो वो जहां पे अगर इस ये कॉन्डाइल है, इसमें अगर आप एक एक्सिस ड्रॉ कर दे तो इस एक्सिस के अराउंड कॉन्डाइल सिर्फ घूम रहा है. तो इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड टू प्योरली रोटरी मूवमेंट अराउंड द ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये जीपीटी 5 की डेफिनेशन है. सेंट्रिक रिलेशन बोन टू बोन कॉन्टैक्ट है, हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है. सेंट्रिक रिलेशन बोन टू बोन कॉन्टैक्ट है. और मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, अगर सेंट्रिक ऑक्लूजन की बात हो रही है, यानी ऑक्लूड कैसे हो रहा है, ऑक्लूजन का मतलब हमेशा दांत से दांत का भिड़ना होता है, तो वो टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट है, या तो सेंट्रिक ऑक्लूजन या फिर मैक्सिमम इंटरकस्पेशन भी हुई है. मैक्सिमली कितना ज्यादा टाइट कॉन्टैक्ट है दांत में, तो वो भी टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट ही होंगे. मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन पहले बोली जाती थी कि दिस इज द मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन, लेकिन पेशेंट मोस्ट रिट्रूडेड पोजिशन में कंफर्टेबल नहीं होता है. तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें पोजिशन ऑफ कॉन्डाइल फोसा में क्या बोलता है, सिर्फ रिट्रूडेड है, मोस्ट रिट्रूडेड नहीं बोलता, यह नया कॉन्सेप्ट है. तो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन इज इक्वल टू CR, किसमें, सीडी केसेस में. अब मेथड कौन कौन से हैं, दो मेथड है रिट्रूड कराने के सेंट्रिक रिलेशन के, या तो पैसिव मेथड हो, कैसे सेंट्रिक रिलेशन में लेके जाएंगे पेशेंट के मैंडिबल को, वो दो मेथड है, या पैसिव या एक्टिव. पैसिव मेथड का मतलब है पेशेंट खुद लेके जा रहा है, पी से पैसिव, पी से पेशेंट, पेशेंट खुद लेके जा रहा है अपने मैंडिबल को पीछे. पांच मेथड पढ़ेंगे इसमें. एक्टिव के अंदर डेंटिस्ट लेके जा रहा है पेशेंट के मैंडिबल को, वो थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाता है, मतलब पेशेंट बहुत लोग पसंद नहीं करते. तो आप कोशिश करें कि पैसिव मेथड फॉलो करें. पैसिव मेथड में पांच मेथड है. सबसे पहले मेथड है जिसमें आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि अपने जॉ को पीछे लेके जाइए और पीछे के दांत पे मुंह एकदम बंद कर दीजिए, जन दे दे. ये हमारा बेसिकली थीम है. हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशनशिप में आप हॉरिजॉन्टली दोनों के दोनों रिलेशनशिप्स को, आप सेंट्रिक रिलेशन ढूंढ रहे हो जहां पे आप दांत से दांत का टाइट कॉन्टैक्ट दे दें, इसी पोजिशन में सील कर देंगे, इसी पोजिशन में टीथ सेटिंग कर देंगे. तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशनशिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रिक रिलेशन चाहिए हमें, उसी में हमें टीथ अरेंजमेंट करनी है. तो सबसे पहला मेथड है, अब रिम्स पेशेंट के मुंह में, पेशेंट को बोलते हैं सबसे जॉ को पीछे लेके जाए और अपने पीछे के दांत पे बंद कर दे, जितना पीछे ले जा सकता है. दूसरा मेथड है, पेशेंट को बोलेंगे अपर जॉ को यानी अपने मैक्सिला को आगे लेके जाए और फिर पीछे के दांतों पे बंद कर दे. एक ही बात है लेकिन वो अलग अलग तरीके है, जिसमें पेशेंट नहीं मानता जॉ पीछे ले जाने को, उसमें उसको मैक्सिला आगे ले जाने को बोलते हैं. मैक्सिला तो फिक्स्ड है, वो तो नहीं जा सकता, तो यही मतलब हुआ इसका. तीसरा है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट अपर डेंचर का टंग से टच कराए, सबसे टंग को लेके जाए सबसे पोस्टीरियर पार्ट अपर डेंचर पे और मुंह बंद कर ले. तो ये भी एक तरीका है, पैसिव मेथड है. चौथा तरीका है, पेशेंट को बोलते हैं स्वालो करके मुंह बंद करने को. पांचवा तरीका है, प्रोट्रूड और रिट्रूड कराते हैं. पेशेंट को बोलते हैं उंगली को अपने चिन पे रखे, चिन पे रखने के बाद प्रोट्रूड रिट्रूड कराते रहे, तो उससे उसको पता रहेगा कब मेरा जो आगे जा रहा है कब पीछे जा रहा है, तो वो अपनी मूवमेंट खुद एनालाइज कर पाएगा. तो ये हो गया पैसिव मेथड. एक्टिव मेथड के अंदर तीन मेथड है, ये डेंटिस्ट करता है. इसमें आप थंब या फोर फिंगर से पेशेंट की चिन पे हल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, फर्म, हल्का माइल्ड बट फर्म प्रेशर लगा रहे हैं जब पेशेंट अपने फोर्स, जब रिम क्लोज कर रहा है, तो जो डायरेक्ट कर रहे हैं.
तो दूसरा मेथड है कि डेंटिस्ट पैल्पेट करे टेम्पोरल और मैजेटर मसल को, रिलैक्स करा दे। तीसरा मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसके अंदर है डॉसन, डॉसन की बुक में दिया हुआ है डॉसन बाय मैनुअल पाल्पेशन मेथड। डॉसन मेथड में क्या है, ये ऐसे आपने हाथ उंगलियां ये लेनी है और ऐसे ये मूवमेंट करवानी है। अब उंगलियां जो है वो मैंडिबल के अंदर जा रही हैं, बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल में एंगेज हो रही हैं, और थंब्स आपके ऊपर जा रहे हैं कॉन्डाइल की तरफ, लेकिन सिम्फाइसिस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं कराने हैं, थंब दोनों आपके टच नहीं करने चाहिए। तो ये आपका लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल में आपने एंगेज कर दी उंगलियां, और ऐसे आप ये मूवमेंट करवाएंगे और ऐसे कॉन्डाइल पीछे जाएगा, ग्लिनोइड फोसा में पोस्टीरियरली, और मुंह बंद करेगा। तो ये है डॉसन बाय मैनुअल पैल्पेशन। हम क्लिनिक में एक शॉर्टकट यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रिक रिलेशन जो रिकॉर्ड करने के लिए। पेशेंट इतने वेटिंग एरिया में वेट करता है, पेशेंट को बोलते हैं कि बार बार मुंह खोले मुंह बंद करे, मुंह खोले मुंह बंद करे, जितना ज्यादा मुंह खोल सकता है 15-20 मिनट आधा घंटा भी एक्सरसाइज करवाएंगे तो जब पेशेंट थक जाएगा, तो जैसे ही पेशेंट चेयर पे आके बैठेगा वो एकदम सेंट्रिक रिलेशन जो उसकी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है, फिजियोलॉजिक रेस्ट पोजीशन है, उसके अंदर पेशेंट मुंह बंद करता है। तो ये सबसे इजी तरीका है सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करने का। अब सेंट्रिक रिलेशन आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, इसको सील भी करना है तभी आप उस पर टीथ सेटिंग कर पाएंगे। तो उसके तीन मेथड होते हैं सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करने के। ये क्वेश्चन थ्योरी में स्टूडेंट्स को आता है, फाइनल ईयर में पीजी स्टूडेंट्स को आता है सेंट्रिक रिलेशन के मेथड रिकॉर्ड करना। तो तीन मेथड हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का मतलब सेंट्रिक रिलेशन एक स्टैटिक पोजिशन में रिकॉर्ड हो रहा है, इसको टेंटेटिव सेंट्रिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है फंक्शनल मेथड, यानी पेशेंट फंक्शनिंग मूवमेंट कर रहा है जब आप ये मेथड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम है च्यूइन मेथड। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो पीजीज अपने एग्जाम में भी फॉलो करते हैं, पीजी स्टूडेंट करते हैं, अगर आपने फेसबुक ट्रांसफर लिया है तो आप ग्राफिक मेथड रिकॉर्डिंग से, ग्राफिक मेथड से रिकॉर्ड करते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, अगर अभी तक आपको क्लियर है, हम लोग साथ में नहीं है तो आप पीछे रिवाइंड कीजिए, वीडियो को दोबारा समझिए, तो ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो स्टैटिक मेथड के अंदर है नॉन फंक्शनल मेथड, टेंटेटिव सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड। इसमें दो मेथड आते हैं, एक होता है वैक्स ऑक्लूजल रिम्स, यानी जो आपने ऑक्लूजल रिम्स ली है उसको आप सील करेंगे बस स्टैटिक कर खड़ी पोजिशन में। इसके अंदर निक एंड नॉच मेथड होता है। निक एंड नॉच मेथड में आप निक बना देते हैं और नॉच बना देते हैं। निक का मतलब छोटा सा इंडेंट, नॉच का मतलब बड़ा इंडेंट। निक एंड ये अगर आपका मैक्सिलरी, रेड पेन से बनाएंगे, ये अगर आपका मैक्सिलरी रिम है, ये मैंडिबल रिम है, तो मैक्सिला रिम के अंदर आप एक छोटा सा निक बना देते हो, यानी ऐसा एक निक बना दिया प्री मोलर रीजन के अंदर, और मैक्सिलरी रिम में पीछे, इसके पीछे एक नॉच बना देते हो। अब ये तो हो गया मैक्सिलरी रिम में। मैंडिबल रिम में आप क्या करते हैं, ट्रफ बनाते हैं। निक और नॉच मैक्सिलरी रिम में और ट्रफ मैंडिबुलर रिम में। ट्रफ मतलब वैली काइंड ऑफ, बड़ा ट्रफ बना दिया। तो ये निक एंड नॉच मेथड, इसमें अब सेंट्रिक रिलेशन में पेशेंट को लेके गए जॉ को, और बीच में या तो सॉफ्ट वैक्स से सील कर दिया, या फिर जिंक ऑक्साइड इंप्रेशन पेस्ट, या क्विक सेट प्लास्टर से सेट जल्दी क्विक सेट प्लास्टर यूज करना है, इसमें हमें जल्दी से सेट हो जाए और जल्दी निकाल लें, वो कोई भी वो मटेरियल यूज करना है, या फिर इलास्टोमरिक बाइट मटेरियल भी यूज करते हैं। दूसरा मेथड है इंटर ऑक्लूजल चेक रिकॉर्ड, या फिर इसको फिजियोलॉजिक मेथड भी बोल देते हैं, मैं सिर्फ चेक रिकॉर्ड लिख रही हूं, इंटर ऑक्लूजल चेक रिकॉर्ड्स। इसमें ये बेसिकली वेरिफिकेशन मेथड, ये चेक रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, ये वेरिफिकेशन मेथड है। फिजियोलॉजिक मेथड भी है इसका दूसरा नाम। इसमें वैक्स लेके अलू वैक्स को सॉफ्ट करके और पेशेंट को सेंट्रिक रिलेशन में मुंह बंद करा के, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड आपके पास रिकॉर्ड आ गया, वो रिकॉर्ड से वेरीफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक या फिर टेंटेटिव सेंट्रिक रिकॉर्ड। दूसरा मेथड है फंक्शनल रिकॉर्ड। फंक्शनल के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले है नीडल हाउस पैटरसन मेथड। नीडल हाउस, सब कुछ नाम में आपको एकदम याद रटने की जरूरत नहीं है। नीडल हाउस मेथड में नीडल हाउस है, दूसरा पैटरसन है, तीसरा मेयरसन। नीडल हाउस में क्या है, नीडल है मैक्सिलरी इंप्रेशन, मैक्सिलरी रिम में, मैक्सिलरी रिम इसमें इंप्रेशन कंपाउंड के लिए, तो रिम दोबारा से बनाइए टीथ सेटिंग के लिए, आप वैक्स की रिम बाद में बनाएंगे, अभी सिर्फ सेंट्रिक रिलेशन फंक्शन में रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए आप
रिम्स बना रहे हैं जो वो इंप्रेशन कॉम्पाउंड की उसके बाद फंक्शनिंग मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट को आगे पीछे, हाँ, और सेंट्रिकुलेशन प्रोट्रूजन राइट लेफ्ट लैटरल दोनों सारी मूवमेंट्स करवा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप रिम इंप्रेशन कंपाउंड की बना के चार मेटल की बॉल्स या स्टाइलाई लगा देते हैं। अगर ये आपकी रिम है तो इसमें आपने मैक्सिला में दो कैनाइन रीजन में और दो मोलर रीजन में स्टाइलाई बना दी। स्टाइलाई का मतलब पिन जैसा, आपने मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर देखा ना, उसमें इनसाइजल पिन होती है, उतनी शार्प नहीं होती है लेकिन स्टाइलाई होती है, स्टाइलाई एक पिन जैसा होता है, तो वो आप मैक्सिलरी रिम में अटैच कर देते हैं, या फिर या तो स्टाइलाई है या मेटल की बॉल है, और नीचे मैंडिबल की इसमें वर्टिकल हाइट ज्यादा रखते हैं, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा जिस वर्टिकल डायमेंशन में वर्टिकल हाइट में पेशेंट कंफर्टेबल होगा ऑटोमेटिकली वर्टिकल हाइट रिड्यूस हो जाएगी और फिर स्टाइलाई के इंप्रेशन आ जाएंगे मैंडिबल की रिम के ऊपर। ऐसे ये आपका सेंट्रिक रिलेशन है, ये लेफ्ट लैटरल, ये राइट लैटरल और ये प्रोट्रूजन। ऐसे आपके मैंडिबल में, मैंडिबल की रिम के अंदर डेंट्स आ जाएंगे, स्टाइलाई जो फोर्स डाल रहा है उससे कांटेक्ट करते हुए मैंडिबुलर मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे। दूसरा मेथड आता है पैटरसन मेथड, बहुत इजी है पैटरसन मेथड में। पैटरसन मेथड में एक ट्रेंच या ट्रफ बना देते हैं, ये मैंडिबल की रिम है, इसके अंदर आप एक ट्रफ बना देंगे, एक वैली जैसा बीच में छेद कर देंगे, और सेंट्रिक रिलेशन में पेशेंट का मैंडिबल लाने के बाद कार्बोरंडम और प्लास्टर का 50-50 रेशियो का पेस्ट बना के बीच में डाल के बंद करा के सील कर देंगे, फंक्शनिंग मूवमेंट करवाएंगे और फिर उसके बाद आप बंद कराएंगे तो उसमें कंपनसेटिंग कर्व आ जाएंगे लोअर रिम के अंदर। तीसरा होता है मेयर्स मेथड, जिसके अंदर आप सॉफ्ट वैक्स यूज करते हैं सील करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की थर्ड मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये पीजी स्टूडेंट करते हैं यूजुअली, बीडीएस भी स्टूडेंट जो जिन्होंने फेसबो ट्रांसफर ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन से रिकॉर्ड किया है वो ग्राफिक मेथड यूज करते हैं। ग्राफिक मेथड के अंदर दो आते हैं, एक है आपका गॉथिक आर्च ट्रेसिंग, गॉथिक आर्च, और दूसरा है पेंटोग्राफिक ट्रेसिंग। गॉथिक आर्च ट्रेसिंग हेस ने दिया था लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था गाइसी ने, ये क्वेश्चन भी आता है नीट में, गाइसी ने पॉपुलराइज किया था 1910 में और हेस ने दिया था 1897 में। गॉथिक आर्च ट्रेसिंग का दूसरा नाम एरोहेड ट्रेसिंग है या फिर नीडल पॉइंट ट्रेसिंग। इसमें ट्रेसिंग की शेप एरोहेड या गॉथिक आर्च की होती है, इसलिए इसको गॉथिक आर्च या एरोहेड ट्रेसिंग बोलते हैं। ये मैक्सिला है पेशेंट का, ये मैंडिबल है तो सेंट्रिक रिलेशन में बंद है, जब प्रोट्रूड कराएगा मैक्सिला तो हिलेगा नहीं, मैंडिबल हिलेगा। अब स्टाइलाई यानी एक स्टाइलाई है जैसा, और नीचे मैंडिबल में आपने प्रेसिपिटेट लगा दिया है इसका वैक्स का, वैक्स का प्रेसिपिटेट यानी काला कर दिया। ये कैसे करते हैं, एक वैक्स शीट के अंदर कॉटन डाली, उसको बंद किया और उसमें आग लगा दी, तो उससे जो प्रेसिपिटेशन निकलेगी, आग जलेगी, वो काली होगी, तो उससे आप गॉथिक आर्च ट्रेसिंग का नीचे वाला जो प्लेट होता है उसको आप उस कालेपन से ब्लैक डार्क कर देते हैं, तो अब जो स्टाइलाई के इंप्रेशंस है वो आपके आ जाएंगे नीचे की रिकॉर्डिंग प्लेट के ऊपर। ऊपर सेंट्रल बियरिंग प्लेट स्टाइलाई लगाया हुआ है, नीचे भी सेंट्रल बियरिंग प्लेट और आगे रिकॉर्डिंग प्लेट्स लगा रखी हैं, तो स्टाइलाई का इंप्रेशन रिकॉर्डिंग प्लेट्स के अंदर आएगा। मैक्सिलरी रिम में आपके पास स्टाइलाई है और नीचे मैंडिबल रिम में आपके पास रिकॉर्डिंग प्लेट्स है, तो जैसे ही पेशेंट मैंडिबल को आगे लेके जाएगा यानी वो आगे वाला मूवमेंट, आगे वाला पॉइंट जो था वो सेंट्रिक रिलेशन था, अब पेशेंट मैंडिबल को आगे लेके जा रहा है तो पीछे वाला जो पॉइंट होगा वो प्रोट्रूजन होगा। दोबारा देखिए, ये सेंट्रिक रिलेशन है, जैसे ही पेशेंट मैंडिबल को आगे लेके जा रहा है पीछे एक पॉइंट बन रहा है वो प्रोट्रूसिव है, तो ये आपका प्रोट्रूसिव है, ये सेंट्रिक रिलेशन है। अब नेज एक्सकर्शन गाइड होती है जिसके अंदर वो क्या बोलता है, नेज एक्सकर्शन गाइड में पेशेंट को कैसे आपने ट्रेन करना है, तो सबसे पहले सेंट्रिक रिलेशन में प्रोट्रूड कराया, दोबारा सेंट्रिक रिलेशन में लेके गए, फिर वहां से राइट मूवमेंट करवाई वापस सेंट्रिक रिलेशन में, लेफ्ट मूवमेंट करवाई वापस सेंट्रिक रिलेशन में। तो अगर ये आपका एरोहेड ट्रेसिंग आया है तो ये पॉइंट प्रोट्रूसिव है, ये सेंट्रिक है, ये लेफ्ट लैटरल और ये राइट लैटरल, तो ये आपकी मूवमेंट्स आ गई ऐसे एरोहेड ट्रेसिंग की। ग्राफिक मेथड में बेसिकली ग्राफ से आप ट्रेस कर रहे हैं, ये ट्रेसिंग मेथड है रिकॉर्ड करने का।
कैसी मूवमेंट्स हो रही है, सिर्फ सेंट्रिक नहीं, ई सेंट्रिक भी करा है, सिर्फ सेंट्रिक नहीं है, देखो प्रोट्रूसिव और लैटरल रिकॉर्ड्स भी इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसमें दोनों रिकॉर्ड होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस यही है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और इक्विलाइजेशन ऑफ प्रेशर मेंटेन करता है, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्लास्टर रिकॉर्ड निकालते हैं इसके, उसके बाद वेरीफाई करते हैं बाद में जाने के बाद। तो ये रिकॉर्ड ईसेंट्रिक भी करता है, लेकिन कुछ नुकसान, हर किसी चीज के फायदे उसके साथ नुकसान भी होते हैं। इसमें डिफिकल्ट है लोकेट करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपका सेंटर डेविएट कर जाता है। अगर हल्का सा भी सेंटर डेविएट कर गया तो आपकी ट्रेसिंग गलत होगी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके लिए पेशेंट को पहले ट्रेन करना पड़ता है। एक बार में पेशेंट एकदम सुंदर स्मूथ लाइन नहीं बना के देता है, पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ब्रॉड इडेंचुलस रिजेस में, लेकिन इंटर आर्च स्पेस एडिक्वेट में ही आप ये ट्रेसिंग मेथड, ग्राफिक गोथिक आर्च ट्रेसिंग मेथड रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेशेंट जिनको हैबिचुअल है सेंट्रिक में आने के, उनके लिए ग्राफिक मेथड अच्छा है, लेकिन जिनको एबनॉर्मल जॉ रिलेशनशिप है, जो कॉन्डाइल डेविएटेड है, वो एकदम सही मूवमेंट ग्राफिक ट्रेसिंग नहीं देंगे, तो उनमें ये केसेस ये नहीं कर सकते मेथड। सीवियरली रिजॉल्व रिज है, एक्सेसिव फ्लैबी रिज है, या फिर इंटर आर्च स्पेस ही कम है तो जगह ही नहीं है रिकॉर्ड लेने की, तो इन सब केसेस में आप नहीं लेते हैं। सेंट्रल बियरिंग प्लेट्स और ट्रेसिंग डिवाइस रिम्स पे अटैच कर देते हैं, पेशेंट के मुंह में डालते हैं और पेशेंट के जॉ को मूवमेंट्स कराने को बोलते हैं। नेज एक्सकर्शन गाइड है जिसमें पेशेंट को बोलते हैं पहले आगे लेके जाए, फिर उसके बाद दोबारा सेंट्रिक में लेके आए, फिर उसके बाद राइट लेफ्ट लैटरल करें, तो इसमें पेशेंट को ट्रेन करने की जरूरत होती है। रिकॉर्ड नीचे जो रिकॉर्डिंग प्लेट है आप उसको प्रेस लैकर बोलते हैं, उसकी प्रेसिपिटेशन वैक्स है डार्क कलर का, प्रेसिपिटेशन से उसको कलर करते हैं, मतलब उसकी हीट से उसको डार्क कर देते हैं, और उसके बाद स्टाइलाइज से रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग प्लेट को। जैसे ही आपके पास एक शार्प सिंगल एपेक्स आ गया तो सेट क्विक प्लास्टर, सेट प्लास्टर से बंद करा के, और यूं का यूं आप सेंट्रिक रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं। दो तरीके के गोथिक आर्च ट्रेसिंग है, एक है इंट्राओरल, एक है एक्स्ट्राओरल। इंट्राओरल का मतलब है, इससे पहले मैं आपको इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल दिखाऊं, मैं आपको एक एक्स्ट्राओरल ट्रेसर की फोटो दिखाती हूं। एक्स्ट्राओरल ट्रेसर तो यह है कि जिसमें बाहर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंट्राओरल ट्रेसर के अंदर सेंटरिंग बियरिंग जो आपकी डिवाइस है, वो ट्रेसिंग जो डिवाइस है, ट्रेसर्स हैं, वो सेंट्रल बियरिंग डिवाइस में ही रिकॉर्डिंग प्लेट्स लगी हुई हैं, यानी सेंट्रल बियरिंग प्लेट में ही रिकॉर्ड हो रहा है, सेम अंदर बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रेसिंग कैसी आ रही है, ये नहीं देख सकते, बार बार निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा ट्रेसिंग कैसी आई है। लेकिन इसका एक छोटा सा फायदा यह है कि लिप्स और चीक जो कि एक्स्ट्राओरल ट्रेसर में इंटरफेयर करते हैं, इसमें नहीं करते, तो इंट्राओरल ट्रेसर में जैसे कोबल्ट ट्रेसर हो सकता है, और एक्स्ट्राओरल ट्रेसर का एग्जाम्पल है हाइट ट्रेसर। तो प्रॉब्लम्स कहां कहां से आती हैं हमें एरो हेड ट्रेसिंग में, डिफिकल्टीज कौन कौन सी एरो हेड ट्रेसिंग में, इनएक्यूरेसी है, तीन तरीके की है। सबसे पहले एक राउंड एपेक्स या एब्सेंट एपेक्स हो जाए, राउंड एपेक्स जिसमें रिट्रूसिव मूवमेंट वीक हुई है, पेशेंट को आपने ट्रेन नहीं किया है मैंडिबुलर मूवमेंट के लिए अच्छे से, उस केस में राउंड एपेक्स या एब्सेंट एपेक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डबल एरो हेड ट्रेसिंग, इसका मतलब है उसने सेंट्रिक रिलेशन चेंज किया है, देखिए प्रोट्रूसिव यही है, सेंट्रिक रिलेशन दो दी है, तो इसके अंदर आपने हैबिचुअल या फिर रिट्रूडेड सेंट्रिक रिलेशन जिसमें अल्टर हो गई है, अल्टरेशन है सेंट्रिक रिलेशनशिप की रिकॉर्ड करने के टाइम पे, या तो वही अगेन पेशेंट को आपने अच्छे से ट्रेन नहीं किया, इसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, और वर्टिकल डायमेंशन चेक करनी है इसमें आपको। तीसरा आपके पास है इंटरप्टेड ट्रेसिंग गोथिक आर्च, इसमें आपका जो रिकॉर्ड है सेंट्रिक से प्रोट्रूजन का, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आता हुआ डॉट 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 होके आता है। इसका रीजन क्या है, पीछे में कोई इंटरफेरेंस है, जैसे पेशेंट प्रोट्रूड करा रहा है वो टच नहीं कर रहा स्टाइलाइज बेयरिंग डिवाइस पे, उस जगह पे, तो ये आपके होंगे गोथिक आर्च ट्रेसिंग। नेक्स्ट है पेंटोग्राफिक ट्रेसिंग में, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से सारे के सारे प्लेन्स में रिकॉर्ड करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, सजाइटल प्लेन में भी, वर्टिकल प्लेन में भी, फ्रंटल प्लेन में भी, सारे प्लेन्स में ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से ट्रेसिंग रिकॉर्ड करता है। ये फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर में आप पेंटोग्राफिक ट्रेसिंग लेते हो, गॉथिक आर्च ट्रेसिंग सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर में, जैसे हनाओ वाइड व्यू में बहुत पीजी स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है सेंट्रिक रिलेशन या हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, और दिखते रहिए डेंटल पाठशाला।